नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। अमेठी में रविवार रात करीब 12:30 बजे के आसपास उस समय कोहराम मच गया जब तेज रफ्तार ट्रक और बोलेरो में भीषण भिड़ंत हो गई। दर्दनाक हादसे में बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया जहां चिंताजनक हालत देख चिकित्सकों ने सभी घायलों को हार्ट सेंटर रेफर कर दिया। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना सगर आश्रम के पास हुई। हाईवे के ऊपर बारात से लौट रहे थे लोग नसीराबाद क्षेत्र से और एक ट्रक से बलेरो में थे, ट्रक से टक्कर हुई जिसमें 6 लोग मृत हुए हैं और 4 घायल हैं। घायलों को चाराधीन हैं और उनको यहां से रेफर किया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया। जिला अस्पताल के हर वार्ड का निरीक्षण करते हुए नजर आए। बुलंदशहर के थाना नरसेरा पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई और चोरी की घटना में वांछित 25,000 रुपए का इनाम घोषित बदमाश गिरफ्तार हुआ। उसके पास से पिस्टल, कारतूस और कार बरामद हुई। बीती रात नरसेना थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात लुटेरा चोर लियाकत नाम का अपराधी जो सेना थाना क्षेत्र का रहने वाला है और लगभग 13 मुकदमे पूर्व से जिसके विरुद्ध पंजीकृत हैं, वो क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ है, गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उल्लेखनीय है कि कल शाम के समय बहादुरगढ़ हापुड़ का रहने वाला जिसके विरुद्ध 20 मुकदमे हैं, सुलेमान नाम का अपराधी है जो इसी गैंग का गैंग लीडर था, वो पिस्टल, कारतूस, सेंट्रो कार और चोरी के कुछ सामान के साथ गिरफ्तार किया गया था। उस पर 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि काफी दिनों से घोषित थी। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 18 से 22 अप्रैल तक प्रत्येक विकास खंड में स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाना है जिसमें क्षेत्र जनता का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। आयुष्मान भारत के 4 वर्ष पूरे हैं। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके तत्वाधान में ये हमारे समस्त हमारे ब्लॉक मुख्यालय हैं और गोपेश्वर में नगर पालिका जो हमारा मुख्यालय है यहाँ पर हेल्थ मेला का आयोजन किया जा रहा है। ये पूरा 1 हफ्ते का कार्यक्रम है। समस्त जगहों पर जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, WCD है, आयुर्वेदिक है और स्कूल एजुकेशन है, इसमें लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ जो आयुष्मान हमारे कार्ड बनते हैं, हमारे दिव्यांग प्रमाण पत्र बनते हैं, उसको जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए और लोगों को जो इसका लाभ मिल सके इसका प्रयास किया जा रहा है। पूरे भारत में चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में और इसमें हमारा ये है कि हम जो है सर्वांगीण रूप से जो है मरीजों का निवारण करें, उनकी समस्याओं का निवारण करें। जैसे सबसे पहले हेल्थ कार्ड जिनका नहीं है उनके हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा, एक यूनिक ID जनरेट की जाएगी और मेन बात है इसमें हमें बीमारियों से बचाने के उपाय पहले बताने हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ताकि बीमारियां फैले ना, उनको पहले रोक दिया जाए होने से। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहा जाता है, तो उस सिद्धांत पे हम चलेंगे और इसमें सारी बीमारियां हम कवर कर रहे हैं। किस मरीज को क्या बीमारी है उसका हम डेटा रिकॉर्ड रख रहे हैं, कहाँ रहता है, कहाँ क्या उसकी इकोनॉमिकल स्टेटस है, कैसे हम उसको हेल्प कर सकते हैं और कैसे हम उसे जागरूक कर सकते हैं समाज के इसके स्वास्थ्य के बारे में। तो हमारा प्रमुख हमारा उद्देश्य ये है। गाजीपुर में एक युवक पत्नी और 2 बच्चों की गला दबाकर हत्या करने के बाद खुद फांसी के फंदे पर अटक गया। यह पूरा मामला सादत थाना क्षेत्र के कस्बा सादत का है। हमीरपुर में जयमाला के समय दुल्हन ने दूल्हे को थप्पड़ जड़ दिए। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन को वरमाला डाली वैसे ही दुल्हन ने दूल्हे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। परिजनों के समझाने के बाद दूल्हा और दुल्हन पक्ष माने शादी समारोह में, फिर से मामला ठीक हुआ है। लालपुरा थाना क्षेत्र के स्वासा बुजुर्ग गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है।
जौनपुर में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों पर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। इस दौरान जैसे ही चौराहे पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर बुलडोजर से अवैध कब्जे को हटाया गया। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को खुद कब्जा हटाने के लिए 17 अप्रैल तक का समय दिया था। ये जैसे चौराहे से लेकर ओलनगंज तक हम जैसे हमारे नक्शे के अंदर सड़क का जितना एरिया है उसके ऊपर कुछ जो अतिक्रमण किया गया था कुछ दिन पूर्व उसकी पैमाइश की गई थी और पैमाइश करके नोटिस थमाया गया था। तो काफी लोगों ने काफी हद तक अपना अतिक्रमण हटा लिया है जिसके लिए उन्हें बार बार अवगत भी कराया गया था और उनके द्वारा एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना अतिक्रमण हटा लिया गया और कुछ अतिक्रमण जो बचा था बाकी उसे आज राजस्व विभाग नगर और पीडब्ल्यूडी की टीम द्वारा पुलिस की उपस्थिति में हटाया जा रहा है। यूपी में 4 करोड़ वाहन पंजीकृत हैं। अक्सर देखा जाता है कि कार्यक्रम आयोजित होते हैं मगर सख्ती से कोई भी लागू नहीं होते। उन्होंने कहा कि मैं बधाई देता हूं कि विभाग के लोगों को, हमारा विभाग जो काम कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर परिवहन मंत्री दयाशंकर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 22,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना के कारण हुई है और हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं और 4 करोड़ वाहन पंजीकृत हैं और हमारा विभाग सराहनीय कदम उठा रहा है। कोरोना काल के 2 साल बाद बाजार फिर से गुलजार हो गए हैं। त्योहारों पर बाजारों में फिर से रौनक दिखाई देने लगी है। पिछले 2 सालों से मंदी की मार झेल रहे बाजारों में ग्राहकों की भीड़ से एक बार फिर से व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। त्योहारों के सीजन पर बाजारों में खरीदारों की भीड़ बढ़ी हुई है। 2 साल तो हमारे बहुत बेकार गए, व्यापारी हो गए, ईद के दोनों सीजन खराब हुए और इस बार थोड़ा राहत है, कुछ ग्राहक निकले हैं लेकिन जो मूवमेंट होना चाहिए वो अभी मार्केट में दिखाई नहीं दिया। या तो कुछ लोगों को या तो ज़्यादा छके हुए हैं या कुछ मजबूरी है या उनको पास पैसा कम है, कुछ ना कुछ तो कारण है जो अभी तक रौनक पूरी दिखाई नहीं दी। लेकिन पहले कोरोना के 2 साल जो गए उससे तो बेहतर है फिलहाल। इस बार जो है थोड़ी सी रौनक मार्केट में लौटी है क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार कोरोना की वजह से मार्केट बिल्कुल डाउन पड़ी थी, मार्केट खुली नहीं थी, ना ईद हो पाई थी, ना ही लोग खरीदारी के लिए निकले थे। हम लोगों ने भी पिछली बार में काफ़ी मार्केट से मतलब कर्ज लेके माल भरा था लेकिन वो सारा माल बिल्कुल ऐसे ही डंप हो गया। लेकिन इस बार जो है सारी चीज़ खुल चुकी है तो लोगों में एक खरीदारी के प्रति उत्साह है और इसी उसमें अब खरीदारी मार्केट की बढ़ चुकी है, लगातार भीड़ भी हो रही है दुकानों पर, तो कहीं ना कहीं दुकानदारों के चेहरे खिले हैं कि वो अपने पिछले नुकसान की पूर्ति इस बार कर सकें। पीलीभीत में शराब के भट्टी पर महिलाओं का प्रदर्शन नजर आया। मोहल्ले के बीचों बीच ये शराब के भट्टी स्थित है। शराब भट्टी हटवाने को लेकर महिलाओं का जबरदस्त प्रदर्शन है। स्कूल कॉलेज जाने से जो महिलाएं यहाँ निकलती हैं, जो लड़कियां यहाँ निकलती हैं, उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छात्राओं और महिलाओं को तमाम परेशानियाँ होती हैं। सदर कोतवाली इलाके के मदीना शाह स्थित बिजली घर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पर हम लोग इसलिए आए कि यहाँ मोहल्ले की बहुत कंप्लेंट थी, यहाँ के रहने वालों ने, महिलाओं ने शिकायत की थी मेरे पास कि दीदी आप आए और यहाँ पर जो ये देश क्या लगती है, ये गौटिया है, जो देश में गौटिया नंबर 14 वार्ड नंबर 14 इसमें एक शराब भट्टी है जहाँ पर उसके सामने के रहने वाले लोग हैं वो भी परेशान है। अंदर को मंदिर बना हुआ है, यहाँ मंदिर के से कितना 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए शराब भट्टी या कोई भी दूसरा स्थान, तो वो शराब भट्टी के अंदर ही देव स्थल है और उसके अंदर ही लोग देखिए शराब पी रहे हैं बैठे और यहाँ पर शाम के टाइम निकलना मुश्किल होता है। जिस समय लड़कियाँ निकलती हैं या निकलती हैं तो उनको गंदे कमेंट पास किए जाते हैं। मिर्जापुर कस्बे में हाईवे स्थित स्पेयर पार्ट्स व्यापारी के मकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया, नीचे गोदाम और दुकान भी है। फायर ब्रिगेड ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाने में परिजनों को सकुशल बाहर निकाला गया है। मेरठ के सरधना में सोमवार सुबह युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने युवक के गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया। वहीं युवक की हत्या की सूचना पर आसपास के लोगों में खौफ का माहौल है। वहीं सूचना पर सरधना पुलिस और एसपी केशव कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। थाना क्षेत्र सरधना के गढ़ी खटकान मोहल्ले में एक 25 वर्षीय युवक जिसका नाम जैकी उर्फ पटवारी है उसकी हत्या की गई है।
इसमें जो मृतक है इसकी इसने कुछ समय पहले परिवार एक लव मैरिज किया था, तो जो लड़की हैं उसके जो भाई हैं उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, असला बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को तहरीर के आधार पर भी मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जाएगा, अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र के एनएच 28 के ढाबा चौराहे पर पिकअप की चपेट में आकर एक छात्रा की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतका की पहचान निरंजन सिंह के रूप में हुई है। कुशीनगर में सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान का शुभारंभ कलेक्टर परिसर से विधायक पडरौना मनीष जायसवाल, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी अनुज मलिक, अपर जिलाधिकारी देवी दयाल वर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। वहीं उक्त अभियान में अधिकारी गणों और अन्य को शपथ ग्रहण भी करवाई गई। गाजीपुर के सादत थाना के वार्ड नंबर 2 सुनकर बस्ती निवासी एक युवक ने पारिवारिक कलह के चलते पहले तो पत्नी और 6 साल के बेटे और 4 वर्ष की बेटी की हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी। जानकारी के मुताबिक पत्नी से उसका विवाद करीब साल भर से था। वहीं एसपी रामबदन सिंह, एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी भी मौके पर जाँच पड़ताल करने के लिए पहुंचे। अलीगढ़ में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन में समाजवादी पार्टी ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान के अनुसार देश चल रहा है, इसलिए हर समुदाय के लोगों को अपने धर्म के अनुसार जीने का अधिकार है। यहाँ हर तरीके का समाज, हर तरीके का समुदाय रहता है, हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी है, अपने त्यौहार करने की आज़ादी है, अपने नमाज पढ़ने की आज़ादी है, तो हमें अपना आरती करने की आज़ादी है। आज की तारीख में जब से चुनाव खत्म हुए हैं तब से सत्ताधारी संरक्षण प्राप्त बहुत से बदमाश कुछ गाड़ियों पे चल के मस्जिदों पे मुस्लिम समुदाय के लिए अशब्द कहना, पथराव करना, उन्हें चोटिल करना, भड़काऊ नारे लगाना, इन लोगों ने इस प्रकार की घटनाएं शुरू कर दी हैं। जैसे महसूस हो रहा है कि 2024 को ये केवल और केवल हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के बल पे लड़ना चाह रहे हैं। क्या मांग? तो हम लोगों ने एक 5 सूत्रीय ज्ञापन जिसमें मस्जिदें जो मिली जुली आबादी में हैं वहाँ पुलिस का संरक्षण प्लस जैसे अभी हलवाई खाने में पथराव कर दिया, एक आदमी को चोटिल कर दिया, सीसीटीवी फुटेज आज मेरे ख्याल से 3 दिन होने जा रहे हैं, अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं निकाला गया है। इस दिन से भाजपा की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर और देश में तो चली रही है दिल्ली के अंदर, तब से इनसे ना तो महंगाई कंट्रोल हो पा रही है और ना ही जो है वो ये रोजगार दे पा रहे हैं। तो अब इन्होंने जनता को भटकाने के लिए रोजाना नए नए मुद्दे लेकर आते हैं भाजपा के उल्टे, और इसी के खिलाफ हम लोगों ने जो है वो आज ज्ञापन दिया है कि इस देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब को जिस तरह भाजपा बिगाड़ना चाह रही है, हिंदू मुसलमान झगड़े कराना चाह रही है, हम चाहते हैं कि जो है वो प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से जो है वो कार्रवाई करे, और लोगों का ध्यान भी हम चाहते हैं कि इधर की बजाय वापस और जो मूल मुद्दे हैं जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, सब्जियां हैं, जो इनकी आज शिक्षा का अभाव है, इन मुद्दों जो है लोगों का ध्यान रहना चाहिए, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए जनता। अलीगढ़ में लाउडस्पीकर मामले में सपा महिला सभा की महानगर अध्यक्ष रुबीना खान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तुमने हमारे धर्म के मामले में टांग अड़ाई तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हम सैकड़ों की तादाद में महिलाएं मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे। आजकल हमारे देश में ये एक नई जंग छिड़ गई है कि जो मस्जिदें हैं मस्जिदों पे से लाउडस्पीकर उतार दिए जाएं, और ये जो अराजक तत्व हैं ये हिंदू बजरंग दल के और ये तमाम कई लोग जो हैं ये अराजक तत्व जो हैं ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपने लाउडस्पीकर मस्जिदों पे से नहीं उतारे तो हम भी अपने मंत्र पढ़ेंगे, हम अपना हनुमान चालीसा करेंगे और हम जो हैं यहाँ पर दूसरी अपने धर्म की पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, अपने धर्म की यहाँ पर बैठ के उपासना करेंगे अपने धर्म की। ये क्या बात है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये तो बेइंतहा गलत बात है। रमज़ान के पाक महीने के अंदर आप हमारे धर्म के कामों में आड़ लगा रहे हैं, आप अड़ंगा लगा रहे हैं,
ये हमारी आस्था का मामला है। हमेशा से मस्जिदों में और मंदिरों में जो है लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और लोग जो है अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, और ये लोग जो है इस तरह खुलेआम सरकार इनको जो छूट दे रही है, जो ये काम कर रहे हैं, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये गलत है और ये बहुत गलत है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में लगाए, तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की बेल सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दी। इसके साथ ही अदालत ने आशीष मिश्रा को एक सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया। ऐसे में तमाम विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। साफ हो चुका है कि भाजपा किसानों से किस कदर नफरत करती है। अपने आपराधिक छवि के मंत्री को बचाने के लिए किसानों के हत्यारे मंत्री को बेटे, जिसने सत्ता के दम पर किसानों को कुचला, उनकी हत्या की, उनको बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जमानत में शिथिलता बरती और जमानत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर एक बार फिर से निर्णय देकर साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को बचाती है, किसानों के हत्यारों को बचाती है, उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं। आशीष मिश्रा लखीमपुर वाले केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला देके साफ संदेश देश को दे दिया है कि देश में संविधान और कानून का राज चलेगा। कानून के ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई व्यक्ति बना रहे, यहाँ सिर्फ बात होगी और हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा। गदरपुर के अमरपुरी गांव स्थित मौर्य एकेडमी में जिला स्तरीय अंडर 40 क्रिकेट मैच समाप्त हुए, जिसमें रुदपुर के एक प्राइवेट स्कूल की टीम प्रथम स्थान पर रही। वहीं क्रिकेट एसोसिएशन के जिला सचिव नूर आलम ने कहा कि जिसमें कुछ खिलाड़ी जिला स्तरीय टीम के लिए चुने जाएंगे और लीग मैच भी जिला क्रिकेट एसोसिएशन जल्द करवाएगा। मैं सभी बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि जिंदगी में खेल भी बहुत ज़रूरी है, उसी के साथ आप जो है पढ़ाई का भी अपना ध्यान रखें, और संस्कार जो ज़िंदगी में जीने के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए वो भी ज़रूर सीखते रहें, और सच्चे मन से यदि आप जो प्रयत्न करोगे तो भगवान भी आपकी ज़रूर मदद करेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आगे आप पढ़ाई के साथ साथ खेल, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो उसमें भी इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहेंगे। और आपकी जो अंडर 14 टीम का जो मैच हुआ, जिसमें किसी टीम ने जीत हासिल करी है, तो जैसे हम किताबों में पढ़ते रहते हैं कि हारने का मतलब ये नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं सच्चे मन से कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई है, तो उसको नेक्स्ट टाइम आप पूरी करेंगे और जो बढ़िया से खेलते रहेंगे इसी तरह से। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पीएचडी में दाखिला नहीं दिए जाने पर छात्र बाबा सैयद गेट पर धरने पर बैठ गए। छात्रों की मांग है कि पीएचडी की सीटें एमयू प्रशासन ओपन नहीं कर रहा। कई छात्रों ने जीआरएफ नेट क्वालिफाई करने के बाद भी एडमिशन टेस्ट में अच्छे नंबर मिलने पर पीएचडी में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। देखिए साहब, वो इंट्रेंस टेस्ट की कोई बात हमारे संज्ञान में आई है, और डेमोक्रेटिक वे में स्टूडेंट्स अपनी बात रख सकते हैं, और लेकिन ये बताते हैं कि जो एडमिशन का प्रोसेस होता है ओके, वो बाकायदा फॉलो होता है, और जाहिर सी बात है जितनी सीट्स होती हैं उन्हीं के प्रोपोर्शन में स्टूडेंट्स का लिया जाता है, और विद इन डेमोक्रेटिक मीन्स प्रोसेस में ओके पीसफुल तरीके से स्टूडेंट्स का राइट होता है कि अपनी बात रख सकते हैं। हमारी सीधी सीधी डिमांड्स हैं पीएचडी में जो पीएचडी की सीट्स हैं जो रिजर्व की हुई हैं उनको ओपन किया जाए, और जो कैंडिडेट्स हैं जो रह गए हैं उनको एडमिशन दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी जगह पीएचडी के एडमिशन में गड़बड़ भी हुई है। जैसे मेरा ये एक एडमिशन है, वहाँ पर क्या है कि मैं मेरे हिसाब से जो मैंने अपनी ओएमआर शीट चेक की थी, तो मेरे लगभग 60 नंबर है 80 में से। जब मेरे 60 नंबर हैं और 7 सीट होने के बावजूद भी मुझे एडमिशन नहीं दिया गया, यानी कि 20 नंबर का जो इंटरव्यू था उसमें मुझे काट दिया गया, तो इसमें बहुत बड़ी एक सोची समझी साजिश है एडमिनिस्ट्रेशन की। क्योंकि जब इंटरव्यू हुआ था तो इंटरव्यू में जो चेयरमैन थी वुमेंस स्टडी की, जो डायरेक्टर है, उन्होंने मुझसे साफ कहा था कि आप CINRC के धरने में एक्टिव थे, आप धरने लगाते हो, इसलिए हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, हम आपको PhD नहीं करवाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम पॉलिटिकल लाइफ हमारी एक तरफ है, तो क्या हम एजुकेशन लाइफ में नहीं रह सकते? मतलब हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते? अगर हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, नहीं करते, तो फिर हम रिटर्न क्वालिफाई कैसे कर लेते? प्रवेशन तो आज नहीं किया जा रहा है, प्रवेशन तो परीक्षा से किया जा रहा है जी।
कंफ्यूजन फरहान नदवी ने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ बैठने का, प्रोटेस्ट करने का, बाबे से भी तंग करने का, इससे पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम पहले दिया था। फ्राइडे के दिन उसकी सारी अथॉरिटी को ये अवेयर कराया गया था कि 48 घंटे के अंदर अंदर हमारे ये इशू है, हर डिपार्टमेंट से अच्छे खासी स्विच खाली हुई है। स्विच बहुत पहले कम थी, 7, 6, 5 कम तादाद दी गई स्विच की। स्टूडेंट बहुत बड़ी तादाद में है, पीएचडी में बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया है। अल्टीमेटम दिया गया था 48 घंटे का, लेकिन उस 48 घंटे पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कुछ कंसल्टेशन नहीं हुआ है। वाइस चांसलर साहब को भी बताया, वाइस चांसलर साहब यहाँ मौजूद नहीं है। मुजीबुल्ला साहब जो कंट्रोलर है हमारे इस इदारे के, उस पता है, लेकिन अभी तक हमारी डिमांड मानी नहीं गई है। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के रामलीला ग्राउंड पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हनुमान जन्मोत्सव शोभायात्रा पर विशेष समुदाय द्वारा की गई हिंसा के विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, योगी जी तुम लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारे भी लगाए। अमेठी में बीते साल अक्टूबर में कोतवाली क्षेत्र अमेठी के थौरा गांव में भूमि विवाद में हुई दो युवकों की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी के घर कुर्की करने पुलिस जेसीबी लेकर पहुंच गई, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस घर का पूरा सामान कुर्क कर ले गई है। पुलिस ने आरोपी के कोर्ट में हाजिर न होने पर उसके घर पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी भी दी है। बाराबंकी में बीते दिनों ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता ने एक बयान दिया था, जिसमें कहा था कि मस्जिद में होने वाली नमाज की रक्षा करेंगे। इसी बयान पर नगर पालिका चेयरमैन प्रीत रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने भी बड़ा बयान दिया है। आइए सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। ये कोई नई बात नहीं है, कुरान में दौराने जंग मोहम्मद साहब ने हिदायत दी थी कि आधी फौज नमाज पढ़े और आधी फौज उसकी सुरक्षा करे, फिर जब आधी पढ़ ले तो जो सुरक्षा में कड़ी फौज है वो नमाज पढ़ ले, अदा कर ले। तो ये इनके प्रवक्ता ने जो बयान दिया है, ये अपनी मोहम्मद साहब और कुरान की हिदायतों के आधार पर दिया है। ये हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है। परिस्थितियां इस समय इस तरह की हो गई हैं कि एक अघोषित जंग की शुरुआत है। ये जो शांति है ये प्रलय के पहले की शांति है। देश आज सीधा सीधा गृह युद्ध के कगार पर आकर के खड़ा हो गया है कि इन विषम परिस्थितियों में हमारे माननीय गृह मंत्री को सेना का थोड़ा सा विस्तार कर लेना चाहिए। जोधपुर में खेले गए नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में मनोज सरकार का बुलावा न होने से दिनेशपुर क्षेत्र के तमाम खिलाड़ी नाराज हुए हैं। इस दौरान दिनेशपुर खेल संघ के अध्यक्ष रोज मंडल ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अर्जुन अवार्ड प्राप्त मनोज सरकार को नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में न बुलाने, वॉलीबॉल फेडरेशन एवं प्रशासन के अधिकारियों को जो नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में शामिल थे उन्हें उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। कन्नौज में विजिलेंस की टीम ने क्लर्क बलवीर यादव को गिरफ्तार किया है। एरियर निकालने के नाम पर बीएस का बाबू शिक्षकों से वसूली कर रहा था। एक शिक्षक की शिकायत पर विजिलेंस टीम ने कार्रवाई की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के बीएसए ऑफिस का ये पूरा मामला। ललितपुर पुलिस ने 24 घंटे में हत्या के मामले का खुलासा कर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। ललितपुर पुलिस अधीक्षक निकल पाठक और अपर पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सदर कोतवाली और एसओजी टीम ने किया दो आरोपियों को गिरफ्तार। शराब के नशे में मृतक सूरज से मारपिटाई हुई थी। आरोपियों ने हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था। रात्रि में ये इनके दोस्त सूरज सिंह के दोस्त सब आपस में शराब पिए और शराब पी करके कुछ आपस में विवाद हुआ, जिसमें उसका गला कस करके मार दिया और एक दोस्त ने पत्थर चेहरे पे मार के उसकी हत्या करके कुआं में फेंक करके भाग गए। जिस मौके पर थाना प्रभारी कोतवाल साहब गए
और उसके बाद में पुलिस श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ललितपुर मौके का निरीक्षण किया और तत्काल पुलिस को निर्देश दिया गया थाना कोतवाली को एसओजी टीम को कि इसके अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, जिसमें पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उनके दोस्तों का नाम आया और तत्काल ही दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। रुद्रपुर के अमपुरा मोहल्ले से एक वृद्धा महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि वीडियो 11 अप्रैल का है और महिला वार्ड नंबर 23 की रहने वाली है। उसका कहना है कि उसके पड़ोस में रहने वाला तेजपाल नाम का व्यक्ति उसे परेशान कर रहा है। उसे कई बार पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। परिवहन विभाग सहारनपुर द्वारा चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह 2022 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक राजीव कुंभर के द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह 18 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक चलाया जाएगा। चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह का हम लोगों का आयोजन आज जो है शुभारम्भ हुआ। हम सड़क सुरक्षा का जो एक अभियान चलाते हैं या सड़क सुरक्षा का जो हम ये कार्यक्रम करते हैं वो जनपद के सभी लोगों के लिए एक जागरूकता अभियान होता है, जागरूक करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें दिन प्रतिदिन जो है बढ़ोतरी हो रही है। हमारा प्रयास और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।